नमस्कार, वेलकम टू चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ कि किस तरीके से अपनी स्किन में डलनेस को हटा के अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन, सॉफ्ट और फेयर बना सकते हैं और जो बरसात की चिपचिपाहट है उसे कम कर सकते हैं। तो आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हेल्प लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले मैंने आधा कीरा को ग्रेट कर लिया है। इसे हमें इसका जूस निकाल के अलग कर लेना है। खीरे में विटामिन सी और ए पाया जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा निखरी नज़र आती है, फ्रेश लगती है और टैनिंग को भी खीरा दूर करता है। मैंने अपने हाथों से इस तरीके से दबा के इसका सारा जूस निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे छन्नी की सहायता से भी अलग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच चावल का आटा डाला है। चावल का आटा हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर बनाता है, क्लीन करता है, बहुत ज़्यादा स्किन से जो गंदगी है उसे निकाल के बहुत ज़्यादा स्किन को क्लीन करने का काम करता है। इसके बाद मैंने यहाँ मसूर की दाल का एक चम्मच पाउडर लिया है। इसकी जगह आप बेसन भी ले सकते हैं और इसे डाल दिया। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर बनाएगा, बहुत ज़्यादा क्लीन करेगा, जो स्किन से डेड सेल है उसे निकाल के बहुत ज़्यादा स्किन को क्लीन करेगा। आखिरी में मैंने डाला है एक चम्मच दही। दही हमारी स्किन को क्लीन करता है, फेयर बनाता है, जो चेहरे पे डेड स्किन है उसे निकाल के हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करने का काम करता है, ओपन पोर्स को कम करने में मदद करता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर पैक लगाने से पहले मैंने अपने चेहरे को रोज़ वाटर से क्लीन कर लिया है। आप चाहे तो अपने जो भी फेस वाश से चेहरे को धो सकते हैं जो लगाते हों। मैंने यहाँ रोज़ वाटर से क्लीन कर लिया है। इससे हमारी पूरे चेहरे की जो डस्ट है, गंदगी है, पूरी तरीके से निकल जाती है। अब ये पैक को मैं अपने चेहरे पे लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसे हमने चेहरे पे आप लगाएं, आप चाहे तो इसे आप 3-4 दिन लगा सकते हैं, नहीं तो आप हफ्ते में एक दिन लगाएं। आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो आपकी स्किन है, जो डेड सेल है वो निकल जाएगी, जो चेहरे पे आपके चेहरे पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी कम होगी। आप इसे नोज़ के एरिए पे अच्छी तरीके से लगाएं। जब ये अच्छी तरीके से पूरी तरीके से लग जाए तो आप इसे आधे घंटे के लिए लगभग छोड़ दें, 30 मिनट के लिए, और आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आधे घंटे बाद मैंने पानी से धो दिया है स्किन को हल्के हाथों से रफ करते हुए, जिससे पूरे चेहरे की गंदगी, धूल मिट्टी निकल गई है, डेड स्किन क्लीन हो गई है और जो टैनिंग की प्रॉब्लम है इससे कम होगी और स्किन बहुत ज़्यादा टाइट लगेगी।